आवाज बदलती छत्तीसगढ़ की। रायगढ़ में ऑटो चालकों द्वारा अपनी अपनी गाड़ियों को रोककर आक्रोश जताते हुए एक दिवसीय हड़ताल कर अपनी कुछ मांगे रखी। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन में होर्डिंग लगाने के लिए लगातार खंभे गाड़े जा रहे हैं, जिसमें गाड़ियां पार होने का जगह तो छोड़ दिया गया है, लेकिन ऑटो के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है, जिससे वे नाराज हैं, जिसके चलते ऑटो चालक संघ ने यह हड़ताल किया है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन में होर्डिंग लगाने के लिए खंभे गाड़े जा रहे थे, जिसमें कि कार स्टैंड के लिए गाड़ियां पार होने के लिए जगह छोड़ी गई। वहीं दूसरी ओर ऑटो चालकों के बोलने के बावजूद भी उनकी बात को ध्यान नहीं देते हुए खंभे गाड़ दिए गए। उनका कहना था कि होल्डिंग्स लगाते समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि गाड़ियां पार होने के लिए उनके लिए भी जगह छोड़ा जाएगा। वहीं अब होल्डिंग के स्टैंड बनकर तैयार हो चुके हैं, वहां किसी भी तरह की जगह ऑटो वालों के लिए नहीं छोड़ी गई है। और साथ ही साथ जब वे यात्रियों की सुविधा के लिए अपने ऑटो को स्टेशन के सामने लगाते हैं, तो आरपीएफ के द्वारा कार्रवाई कर उनका चलान बिलासपुर से काटा जाता है। पर वहीं स्टेशन के सामने कोई भी कार आकर खड़ी होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब इन मांगों को लेकर ऑटो चालक स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे तो उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। ऑटो वालों का कहना है कि प्रशासन इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अब कुछ लोगों की मांगों को भी पूरा नहीं कर सकता, और बीती रात ऑटो चालक व पार्किंग एरिया के लोगों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। आए दिन रेलवे स्टेशन में लगे होल्डिंग्स के बैनर व पोस्टर हवा में उड़ते रहते हैं, जिससे कि जान का खतरा बना रहता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज सभी ऑटो चालकों ने निर्णय लेकर एक दिवसीय हड़ताल किया। वहीं ऑटो चालकों की एक दिवसीय हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरा बोर्ड लगा दिया गया है विज्ञापन के लिए, और ये लगाने से पहले यहाँ कहा गया था कि यहाँ से ऑटो को आने जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन आखिरी में पूरा पैक कर दिया गया है। यहाँ पे कई ऑटो वाले चलाते हैं जिनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सवारियाँ यहीं से आती जाती हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत खड़ी हो रही है, जिसके लिए इनको कहा भी गया, रेलवे में आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग कितने ऑटो चालक से प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 1000 ऑटो चालक हमारे यहाँ आते जाते हैं लगभग पर डे, सब चालक प्रभावित हो रहे हैं। आगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अभी आवेदन दिया गया है, अभी शांतिपूर्वक आज हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो हम भविष्य में रेलवे के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हड़ताल के बारे में उन्होंने कोई सूचना वगैरह दी नहीं है अभी तक, मगर इतना जरूर मेरे संज्ञान में आया है कि ऑटो चालक इकट्ठा होकर वहाँ एक होर्डिंग लगाई जा रही है रेलवे द्वारा, और रेलवे द्वारा ऑथोराइज होर्डिंग लगाई जा रही है, उस होर्डिंग का वो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये होर्डिंग न लगाई जाए। तो उनका विरोध जो है वो जस्टिफाई नहीं है एक्चुअली, और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उस होर्डिंग के नीचे से हमको रास्ता दिया जाए, तो रास्ता उनको नहीं दिया जा रहा है। फिर तीसरा बात उनका ये कहना है कि स्टैंड में कार पार्किंग वाले को क्यों रास्ता दिया गया, तो उसका भी एक लॉजिक है कि कार पार्किंग का रास्ता इसलिए दिया गया कि उस पार्किंग के लिए खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है वहाँ, तो वो रास्ता होर्डिंग के नीचे से दिया गया है। बाकी इन ऑटो चालकों के लिए मंदिर की तरफ से पूरा रास्ता खुला हुआ है, और ऑटो चालकों को यदि रास्ता दे दिया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ से ये लोग गाड़ी के समय में, जब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन के समय में जितने भी पैसेंजर्स आते हैं वो पैसेंजर्स के मतलब सवारी के लिए होड़ लगा के, और वो लोग तीनों चारों लाइन में ऑटो खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जाम की स्थिति बन जा रही है, और जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए उनका रास्ता वहाँ से रोका गया और वो अपनी सवारी वहाँ से उठाए मंदिर की तरफ से घूम के, और अपना जिसको उधर जाना है वो उधर की उधर ही जाए, जिसको इधर जाना है वो मंदिर की तरफ से घूम के भी जा सकता है, क्योंकि ये सामने का जो रास्ता है इसमें जाम की स्थिति न हो उत्पन्न, इसके कारण ये किया गया। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।